नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे करंट अफेयर से रिलेटेड है और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को। दोस्तों, ट्रेकोमा एक बीमारी है जिससे प्रभावित अंग आँख होता है, तो ट्रेकोमा मुक्त भारत को घोषित किया गया है। दूसरा सवाल है, किस राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐप योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तीसरा सवाल है, केंद्रीय जल संसाधन सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र प्रसाद सिंह को। चौथा सवाल है, दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंशु प्रकाश को। पाँचवा सवाल है, आयुध कारखाना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील कुमार चौरसिया को। छठा सवाल है, हाल ही में किस देश की सरकार ने इच्छा मृत्यु कानून पारित किया है? हाल ही में किस देश की सरकार ने इच्छा मृत्यु कानून पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सातवां सवाल है, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर को। आठवां सवाल है, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। नौवां सवाल है, भारत के पहले सीप्लेन किस शहर में उड़ान भरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। दसवां सवाल है, चबाहर बंदरगाह किस देश में स्थित है? चबाहर बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान में। ग्यारहवां सवाल है, ब्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ब्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ममता कालिया को। बारहवां सवाल है, आयुध कारखाना, दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुध कारखाना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा एस के चौरसिया, यानी कि सुनील कुमार चौरसिया को। तेरहवां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका आंसर होगा लंदन में। चौदहवां सवाल है, लोकसभा की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकसभा की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव को। पंद्रहवां सवाल है, किस शहर में भारत के पहले सामाजिक लेखा परीक्षा कानून की शुरुआत की है? किस शहर में भारत के पहले सामाजिक लेखा परीक्षा कानून की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। सोलहवां सवाल है, डब्ल्यू एच ओ ने हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैबोन। सत्रहवां सवाल है, किस राज्य में भारत बांग्ला मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। अठारहवां सवाल है, पूर्वी भारत के पहले सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। उन्नीसवां सवाल है, विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को। बीसवां सवाल है, किन्होंने हाल ही में मिस्टर इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जितेश सिंह देव को। 21वां सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र वात्रा को। 22वां सवाल है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। 23वां सवाल है, किस शहर की पुलिस की यूनिफॉर्म में कृष्ण के लोगों वाला वैच लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। 24वां सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को इजराइल की राजधानी के रूप में पहचान दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेरूसलम में। दोस्तों, जेरूसलम को डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की राजधानी के रूप में पहचान दे दी है। 25वां सवाल है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को। 26वां सवाल है, वर्ष 2018 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओली। 27वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने महिला रोबोट को नागरिकता प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने। 28वां सवाल है, हाल ही में किस देश में वर्चुअल
रियलिटी थीम पार्क बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। 29वां सवाल है, रितु फोगाट ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। 30वां सवाल है, हाल ही में गोल्डन शू पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, हाल ही में गोल्डन शू पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनस मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं। 31वां सवाल है, मेट्रो में CBTC तकनीक का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में। इस तकनीक के सहायता से, यानी कि CBTC तकनीक के सहायता से यूरोप में सर्वप्रथम बिना ड्राइवर का मेट्रो चलाया गया था। 32वां सवाल है, हाल ही में हिंदू हेल्थ एम्बेसडर और एक मुट्ठी अनाज योजना कहाँ पर शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर में। 33वां सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन को। 34वां सवाल है, हाल ही में IBSF वर्ल्ड स्नूर चैंपियनशिप किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी ने। 35वां सवाल है, हाल ही में डेविस कप खिताब किस देश ने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। 36वां सवाल है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेमी ले नेल पीटर्स ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। 37वां सवाल है, हाल ही में दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धि वाले राजनीतिक का उप नाम क्या रखा गया है, दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ दिया गया है। हाल ही में दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धि वाले राजनीतिक का उप नाम सॉरी हाल ही में दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धि वाले राजनीतिक का नाम क्या रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैम। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मंथली और साप्ताहिक करेंट अफेयर अपडेट करते रहता हूँ, और इम्पोर्टेंट GK का भी वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप आसानी से देख सकें। थैंक यू, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और धन्यवाद।